हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन एंड फीलिंग सेफ। वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल बीएमएस लेक्चर 17 में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट्स इज शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा। मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट कैसे की चेक कर लेना, आपको वहां पे वो वीडियो मिल जाएगी। उसी की कॉन्टिन्यूशन है दैट्स इज शमन चिकित्सा। शमन क्या होता है बेसिकली? न शोध्यति यद् दोषाणाम समान न उदीरते अपि समीकरोति क्रोधश तत्शमशन उच्यते। मतलब इन्होंने बोला है न शोध्यति, पहले ही इन्होंने बात बोली है कि इसमें शोधन नहीं होता, किसका? दोषों का। समान न उदीरते अपि, और ना उनका एग्रीवेशन होता है, ना उनको बढ़ाती है, ठीक है। समीकरोति क्रोधश क्या करती है? सम करती है जो कि आपके क्रोध, मतलब बड़े हुए जो दोष होते हैं, तत्शमशन उच्यते, इसी उन्हें क्या बोलते हैं? संशमन बोलते हैं, ठीक है। न शोध्यति किसका? यद् दोषाणाम, यद् न शोध्यति यद् दोषान, ठीक है। फिर न दोषान, सॉरी, न शोध्यति यद् दोषान समान न उदीरते अपि, फिर क्या आएगा आपके पास? समीकरोति क्रोधश्च तत् संशमन उच्यते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 7 टाइप के शमन होते हैं। बेसिकली 2 द्रव्यभूत 5 अद्रव्यभूत बताया इन्होंने, ठीक है। 2 क्या है? द्रव्यभूत। द्रव्य मतलब कि जैसे पाचन और दीपन जो है बेसिकली वो द्रव्य में आ जाते हैं, और ठीक है, इसमें आता है दीपन पाचन श्रुत त्रिट व्यायाम आतप और मार्ग। 2 दीपन पाचन आपके द्रव्य हैं, जैसे कि दीपन में क्या करते हैं? अग्नि दीप्त करने वाले देते हो, जैसे कि आपके त्रिकटु है मरीच, सोंठ मरीच पिपली, और पाचन में चित्रक और मुस्ता देते। नेक्स्ट आता है किसमें आपको शमन कराना है। शमन बेसिकली जो यूज किया जाता है वो अल्प और मध्यम दोष के लिए किया जाता है। वृद्ध बालक, गर्भिणी, दुर्बल, मंद अग्नि वालों में, अतिसार, विसूचिका, इन सब में आपको क्या करना है? शमन चिकित्सा करनी है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन शमन चिकित्सा किसमें नहीं करनी? जो अचिकित्सक पुरुष आपको बताए हैं मैंने शोधन वाली वीडियो में, वो आपको सेम यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन फॉर संशोधन एंड संशमन चिकित्सा। देखो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे को यहाँ पे संशोधन करनी है, यहाँ पे शमन करनी है? शोधन शुड ऑलवेज यूज आफ्टर अग्नि दीपन और आम पाचन, आफ्टर ब्रिंगिंग कोपित दोष टुवर्ड कॉज फ्रॉम शाखा, एंड आफ्टर मेकिंग दोष शुड प्लेस, दोष कैन बी अचीव बाय दीपन पाचन, स्नेहन स्वेदन एंड शोधन पूर्व भोजन व्यवस्था। शोधन हमेशा कब करते हैं? जब आपकी अग्नि प्रदीप्त होती है, आपके जो दोषज होती हैं वो शाखा से कोष्ठ में आ गई हो, और वो उत्क्लेश हो, ठीक है, और स्नेहन स्वेदन वगैरह सब हो गया हो, तब आप क्या करते हो? शोधन करते हो। इफ शोधन कर्म इज परफॉर्म विदाउट अग्नि दीपन और आम पाचन, अगर आपने अग्नि दीपन और आम पाचन के बिना, मतलब दीपन पाचन के बिना अगर आपने शोधन देने की कोशिश भी की, तो जो आप शोधन द्रव्य दोगे वो आपका डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, और ऊपर से उसके एडवर्स इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इस तरह से इंटर कोरिलेट करते हैं। इफ शोधन कर्म इज परफॉर्म विदाउट कोष्ठ गमन ऑफ कुपित दोष, देखो अगर आपने शोधन कर्म किया है कब? जब आपके दोष जो है वो कोष्ठ में आए ही नहीं है। द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ एग्रीवेटेड दोषेस कैन नॉट बी अचीव, देन दैट कैन रिजल्ट इन रिलैप्स और रीअकरेंस ऑफ डिसीज। तो क्या होगा अगर आपने सोचा कि छोड़ क्या लेना है हमें, हमने अग्नि तो प्रदीप्त कर ली, लेकिन आपने शाखा से कोष्ठ में नहीं आप उन दोषों को लेके आए, तो आप अगर मेडिसिन दोगे, अगर आपकी वो शोधन द्रव्य डाइजेस्ट हो भी गया, तो वहां पे क्या होगा उसका बीमारी का क्या होगा? दोबारा से रिएकरेंस के चांस रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर जो दोष है वो बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही आता है कि विदाउट शमन विदाउट दीपन पाचन तो नहीं होती। दूसरी बात, अगर आपने दीपन पाचन नहीं दिया तो क्या होगा? अगर आप उसको कोष्ट में ना लेके आए तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ शोधन कर्म इज परफॉर्म विदाउट दोष उत्क्लेश, अगर आपने बिना दोष उत्क्लेश शोधन कर्म किया, तो द पेशेंट हैज टू सफर जस्ट एज एक्सेक्शन ऑफ जूस फ्रॉम अनराइप फ्रूट रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट फ्रूट। तो पता उसके पेशेंट के साथ कैसा होगा? जैसे हम कच्चा फल नहीं तोड़ते और उसमें से हम रस निकालने की कोशिश करते, तो वो सारा सारा ही खराब हो जाता है वो हमारा फल ना, तो सेम लाइक दैट इंसान के अंदर भी ऐसे ही होगा अगर हमने उसको बिना उत्क्लेश किए शोधन कर्म किया। इन केस ऑफ बहु दोष अवस्था और बलवान रोगी, अगर आप बात करते हो बहु दोष अवस्था की और बलवान रोगी में, शोधन चिकित्सा शुड बी यूज एंड देन शमन चिकित्सा, ठीक है।
एंड इन केस ऑफ अल्प दोष और दुर्बल तो उसमें आपको संशमन चिकित्सा करनी है। देखो इन्होंने बात बोली है कि जो बहुत सारे दोष वाली चिकित्सा, बहुत सारे दोष होते हैं या फिर जो बलवान रोगी होते हैं ना, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले संशोधन करना है, देन आपको संशमन चिकित्सा करनी है। ठीक है, पहले आपको संशोधन करना है, देन संशमन चिकित्सा करनी है। ठीक है, और जो आपके अल्प दोष होते हैं, अल्प वाले में आप इतना कर सकते हो कि जो अल्प दोष होते हैं, अल्प वाले में आपको संशमन से ही काम चल जाएगा, शोधन करने की जरूरत उसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शमन चिकित्सा कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निदान परिवर्जन। ये तीनों हैं और बेसिकली ये तीनों 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं और अलग अलग से इनको 2 या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। And thank you so much for watching my video.